الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو بزرگ بھائیو یہ اللہ ہی کا کرم و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گرمی میں ہمیں اور آپ کو اپنی راحت آرام چھوڑ کر اپنے دین کی عظیم محنت اور فکروں کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی. ہمیں ہمارے نبی نے ہر عمل پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ سوچو اس پر ملے گا کیا تو اس عمل کے لیے تکلیف اٹھانا آسان ہو جائے گا. آج پوری دنیا میں مجاہدے کر رہی ہے, تکلیف اٹھا رہی ہیں, رات رات لگ جگ رہی ہیں, کھڑے کھڑے صبر کر رہی ہے. اس پوری جدوجہد اور محنت کے پیچھے ان کے سامنے نتیجہ ہے کہ مجھے اس پر مجھے کیا ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر عمل سے پہلے ہر عمل کے بارے میں یہ بات بتائی کہ تمہاری اس عمل پر اللہ کا رشان ہو, تمہاری آخر کی ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس ابدی زندگی میں خدا کیا دے گا. اور ان اعمال پر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں اس کے کیا اثر ظاہر کرے گا. اللہ کے بھائی نبی نے یہ بات سمجھائی, نبی نے اپنی امت کی یہاں تک بات سمجھائی کہ عمل پر بھی میں عملوں کے خدا بدلا دے گا, اس عمل پر کہ کرنے میں جو تکلیف اٹھائی اس پر بھی خدا دے گا. ایمان کی مجلس ہے,
इस पर जो आज मिलना हो तो मिलना ही है, लेकिन इस ईमान की मस्जिद में बैठ कर आदमी जो मुजाहिदा कर रहा है, जो गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, पसीना बह रहा है, गर्मी हो रही है, उस पर भी अल्लाह ताला अपने बंदों को अलग बदला देगा। तो किताबों में आता है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह के लिए प्यास बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह इन्हें आखिरत की प्यास से बचाएगा। बहुत बड़ी चीज है अल्लाह के दीन के लिए तकलीफ को उठाना और उस पर सब्र करना, और दीन पर जो तकलीफों पर सब्र करते हैं अल्लाह के लिए, इनकी तकलीफों के उठाने पर अल्लाह तआला शानो इनके लिए खुशहाली लाते हैं। बल्कि एक जगह तो अल्लाह ने यहां तक फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की निस्बत पर तंगी उठाओगे, तकलीफ उठाओगे, तो हर तकलीफ के बाद तो आसानियां तुम्हें मिलेंगी। इन नमाज श्रीसन इन नमाज श्री सला, इस बात को समझ लो कि हर मुश्किल और तंगी के बाद दो आसानियां हैं। हां, तो हमारा और आपका निस्बत खुदाबंदी पर तकलीफों का झेलना, सब्र करना, अपनी चाहतों को कुर्बान करना और आखिर को सामने रखकर अपने आप को खपाना, ये मामूली चीज नहीं है। इस पर अल्लाह ताला शान हो जो देने वाले हैं, जो नतीजे आने वाले हैं और यकीन आने वाले हैं, वो हमारी समझ के बिल्कुल ऊपर है, हम नहीं समझ सकते। अल्लाह अपनी शान निशान बदला देगा इस पर, और इन अमाल पर जब बदला मिलेगा अल्लाह के यहां, तो ये आदमी हसरत करेगा, काश और ज्यादा करके आते। हमारी कोई घड़ी हफत में न गुजरती, एक सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह ने हमें क्या बदला दे रहे हैं। और अल्लाह का दीन दुनिया में चलके अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान कर जिंदगी गुजारे, और दुनिया के बसने वाले इंसान अल्लाह ने इन्हें जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद पर आए। इसके लिए जो लोग मेहनत करेंगे, कुर्बानियां देंगे, यहां तक कि रिश्वत खुदावन भी वो अपनी जानें कुर्बान करती होंगी, कयामत में ये लोग ये बल्ला का आशार हो ये फरमाएंगे जन्नत में चले जाओ, और जन्नत की दर्जे हैं, जन्नत की नेमतें हैं, सब कुछ मिल जाने के बाद अल्लाह कहेगा मेरे बंदो मांगो और मांगो। तो बंदे कहेंगे मालिक आपने अपनी शान शान हमें नवाजा है, क्या मांगे और मांगो, अल्लाह के और मांगो। तो भाई ये बंदे कहेंगे अल्लाह तारे शान हो, बस एक तमन्ना और एक आरजू है कि फिर दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, ताकि तेरी राह में मेहनत करते करते फिर शहादत का जाम भी कराए, अपनी जानों को कुर्बान करने की तमन्ना करेंगे। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में आपने एक बात फरमाई कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत दे, फिर मुझे जिंदगी मिले, फिर मैं अल्लाह के राह में शहीद हो जाऊं, फिर मुझे जिंदगी मिले, फिर मैं शहीद हो जाऊं। एक रिवायत का अल्लाह के नबी ने 7 और 9 मरतबा इसकी तमन्ना की है। यह है अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपने आप को कुर्बान करना। अल्लाह हमें जज्बा दे दे। 4 महीने जीतने का सवाल नहीं है, सवाल यह है
करते करते हमारे दिलों में ये आरजू पैदा हो निश्चित खुदावंदी पर जान चली जाए, अल्लाह की राह में अल्लाह की निस्बत तक मैं काम आ जाऊं। ये अंदर जज्बा पैदा हो, और जज्बा पैदा हो नहीं बल्कि इसकी अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देना, तकलीफों को झेलना, निस्बत खुदावंदी पर अपने आप को मिटाना, ये आदमी को महबूब बन जाए। बीवी से, बच्चों से, कारोबार से, इन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब यह बन जाए कि मैं अल्लाह की निस्बत पर कुर्बानी दूं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं, अपनी जान को, अपने माल को, अपने जज्बात को, हर चीज को अल्लाह के निस्बत पर मैं कुर्बान कर दूं। चुना के सहाबत है अल्लाह ने यहां तक की कुर्बानी दी। और सहाबा ने कुर्बानियां दी, और जब ये कुर्बानी देता है इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह और कुछ नहीं चाहिए, न माल चाहिए, न मुल्क चाहिए, न वाहवा चाहिए, न मकान चाहिए, न कुर्सी चाहिए, न किसी का वाला बनना है, कुछ नहीं करना, एक अल्लाह का वाला बनना है। महबूब बनू तो अल्लाह का, मेरा महबूब मेरा अल्लाह हो, और अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, बस अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, और मेरी आदत बन जाए। आजाद साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन जो है दुनिया के कौमों और बादशाहों और उनके सामने एक ही बात कहते थे, इन्ना ही मन आखिरा, हमारा मकसद कुछ नहीं है, न तुम्हारा मुल्क हमें चाहिए, न तुम्हारा मालो वटा हमें चाहिए, हमें तो हमारी आखिर बन जाए, हमारा मकसद तो आखिरत है, और हम दोनों भी यही कह रहे हैं कि अपनी आखिर बना लो, इस दुनिया के झोल धोखे से निकलो, और मौत के बाद एक अबदी जिंदगी तुम्हारी आने वाली है, आखिर जिंदगी इसे बना लो, इसे बना लोगे तो तुम कामयाब। हाँ, हमारा मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी जान और अपने मान और अपना जो कुछ महबूब से महबूब माया थी, इन सब को अल्लाह और अल्लाह के दीन पर लगाना अपनी सादत मंदी समझ लेती। चुनाचे साहबा ने हुजूर अकरम सादत खिदमत अफजल से बात कही कि हुजूर जो जान और जो माल आपके कहने पर, आपके इशारे पर, अल्लाह के दीन के तकाजों पर लग जाए, यह हमें ज्यादा महबूब है उस माल और जान से जो हमारे दीन दुनिया के तकाजों में लगे, महबूब हो गया, और सब कहे कि मकसद बन गया अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह के बदकुई इंसानियत अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इताअत से जिंदगी गुजारने वाली बन जाए, ये उनका मकसद रात और दिन यही सोच, यही फिक्र, यही जज्बा रहा, इसी के लिए शादियां करते थे, इसी के लिए औलाद की कोशिश करते थे। दुनिया तो इन्होंने अल्लाह के दीन पे लगा दी, और घरों में झाड़ू लगा दिए, और घरों में फाके बर्दाश्त कर लिए, अपने नन्हे बच्चे दूध देते बच्चों को भी निस्बत खुदावंदी पर फाका बर्दाश्त करने के वक्त आया तो फाका बर्दाश्त करने दिया, लेकिन ये की अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो। हाँ,
फिर अल्लाह ने खुश होकर और इनकी आंखें आजमाने के लिए इस दुनिया के कमीना को इनके कदमों में डाला है। अल्लाह ने अपने दिन के लिए पूरी मां दुनिया लेकर आजमाया, सहाबा इसमें पूरे उतरे कि हमें कोई रस नहीं, तेरे दिन के तकाजे में सब दे सकते हैं और घरों में झाड़ू दे देंगे, बातें बर्दाश्त करेंगे, बच्चों को रात को भूखा सुला देंगे, लेकिन तेरे दिन के तकाजे पर मेहमान को खाना खिला देंगे। अल्लाह के अल्लाह 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 के हाँ अपने इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो फिर अल्लाह ने इन्हें दुनिया देकर आजमाया, कैसर और किसरा के खजाने इनके कदमों में डाले, तब देखो क्या करते हैं। और अजल हमारे फारूक अजहर बहनों ने अपने जमाने के लोगों को जब ये दुनिया इनके पास आई तो उनके लिए बहुत एहतियात के तमाम पहलू सोचकर कदम उठाया, समझते थे। और बहुत डराया और बैतुल माल में जब माल आया उसे जमा नहीं किया, सुबह होते हुए उसे साफ कर दिया। और जब ये कैसर व किसरा के खजाने मस्जिद नबी साहिबिया अल्फाज मसलातिब के मेरे दोस्त साहिब में लाके जमा किए गए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कोने में बैठकर रोने लगे, रोए। सहाबा ने जाकर उमर फारूक से एक ही बात कही, अमर अल्लाह ने तो हमें अपने दुश्मन पर गलबा दिया और उनके खजानों को हमारे कदमों में डाला और आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? अल्बर फारूक ने उन्हें जवाब दिया, मेरे जमाने में क्यों आया, उनके जिंदगी में नहीं आया, अगर अच्छा हो तो उनकी जिंदगी में आता, अगर सच्ची की जिंदगी में आता और ये दुनिया को इनके पास नहीं, और इसी दुनिया की वजह से ये मालूम हुए हैं और हमारे हमारे गुलाम बने हैं, ये खजाने आज हमारे पास आए हैं तो ये खजाने हम पर क्या अपना असर दिखाएंगे और उस असर में हम पर क्या होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये इन्हीं दुनिया की मोहब्बत में आज गुलाम बनकर हमारे पास आए हैं, जब इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाएगी तो हमारा अंजाम भी बात ही होगा। आज यही बात है दोस्तों, हम सब इस आजमाइश में है। दुनिया हमारे पास आई है और दुनिया दुनिया आने के बाद हम राहत और आराम के आदि बनते जा रहे हैं और अल्लाह के दीन के तकाजे मेरे दोस्तों छूटते जा रहे हैं। रोने की बात है, इस दुनिया के आने के बाद सर अपने दोस्तों तबियत तबियत की इस बात पर चलनी चाहिए थी कि भाई जब नहीं था तो अल्लाह के रास्ते में तकाजों में जाते थे, अब तो अल्लाह ने हालात अच्छे किए तो हमें और तकाजे पूरे करने चाहिए। पहले 400 हजार मंदिर मुश्किल से बात में आती थी, चार महीने रह जाते थे, आज अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें अल्लाह के दिए हुए मान को अल्लाह के दीन के तकाजे पर दूर और दराज मुल्कों में जहां पर ये उम्मत में दोस्तों कसमकूसी में जिंदगी गुजार रही है, हम अल्लाह के नबी की बात को लेकर वहां पहुंचे हैं। हम ये सोचते और हमारी कुर्बानी आगे बढ़ती और अल्लाह तआला शान हो हमारी कुर्बानियों पर मेरे दोस्तों खुश होकर
हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हाँ अव्वलन और आम इंसानों के लिए सानियन मेरे दोस्तों हिदायत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाते। और ये बात भी साफ है कि अल्लाह के जो बंदे इस बुनियाद पर आना चाहेंगे, अल्लाह हम तो तेरे नबी और तेरे नबी के सहाबा की बुनियाद पर जिंदगी को लाना चाहते हैं और हमें तो उन्हीं के पीछे चलना है। जैसे उमर फारूक ने कहा था कि अगर मैं हमने अगर अगले मेरे दो साथी हजूर अकरम सलातम और अबू सिद्दीक के रास्ते में जरा भी हटूंगा तो मैं इनके साथ कयामत में नहीं रह सकूंगा। अंदर क्यों है अल्लाह ताला शाम अपने बंदों के अंदर के फैसलों और जज्बों को देखते हैं। क्या चाहते मेरे बंदे? हाँ, और जब अंदर के फैसले ये होते हैं क्या मैं चाहता हूं कि दीन के काम आ जाना है और जिस बदले खुदाबंदी पर जान दे देनी है तो अल्लाह ताला अपने इन बंदों के लिए ये सब चीजें आसान कर देते हैं और इन्हें तौफीक देते हैं। हाँ, और फिर जब ये चाहते हैं कि हमें तो हुजूर के सहाबा की तरह जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह ताला उनके लिए उनके नक्शे कदम पर चलना आसान कर देते हैं। मसला हमारे हाथ में नहीं, मसला अल्लाह के हाथ में है। दीन की अधिक मेहनत और उसके तकाजों पर जाना अल्लाह जिस बंदे के लिए आसान करता है उसके लिए आसान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आसान उसी के लिए करते हैं जो चाहता है। जो चाहता है इसलिए भाई मेरे सिजो जिंदगी और जान मान लगाने की जगह अल्लाह का दीन है। जो जितना अपने आप को इस राह में लगाने पर लाएगा खुदा उससे काम लेगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मेहनत पर इस उम्मत को लाके गए हैं उस मेहनत पर मेरा और आपका अपने आप को लाना और जान माल लगाना ये मेरे दोस्तों मेरी और आपकी खुशनसीबी सआदतमंदी है। और कयामत के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हश्र हो, हम अपने आका के साथ मेरे भाइयों विवाद हक के नीचे आपके साथ जन्नत में दाखिल रहे, इससे बड़ा शर्फ और इससे बड़ा है मेरे दोस्तों इकराम और इससे बड़ी इज्जत और कोई चीज नहीं है। रही भाई जिंदगी तो पूरी हो जाएगी, बहुत से लोग मेरे दोस्तों कोमा में होते हैं तत्वाभावों में और कई कई महीनों तक कौम रहते हैं, इनकी जिंदगी पूरी होती है और उसी आत्मों के जाते हैं जितनी जिंदगी बाकी हुई वो पूरी हो गई। अगर हम अपनी जिंदगी को अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आपके नहज पर आप जिंदगी गुजारने का फैसला करेंगे तय करेंगे अल्लाह हमारे लिए वो आसान करेगा। और नदी वाली मेहनत करते करते और इस दिल की तमन्ना को लेकर कि अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो और दुनिया में हम खालिब हो ये दिन में मेरे दोस्तों जज्बा लेकर अगर हम मरेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हमारा हश्र होगा। अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए आप अपने कमरे में से अपने घर में से पर्दे को उठाकर उम्मत को मस्जिद में देख रहे हैं, मेरी उम्मत के साथ में है। और आप अपनी जिंदगी में आपको फिक्र अल्लाह के दीन के लिए आप हजरत उसामा की मैं जो जमात को रवाना करने की फिक्र कर रहे हैं अलफिजू जैश उसामा, देखो उसामा की जमात को रवाना करो, उसामा की जमात को रवाना करो। हालांकि आप दुनिया से जा रहे हैं अल फातिमा
हसैन हसन हुसैन ये सब मौजूद है, आपके दो दामाद हैं और आपके दो ससुर हैं, सब मौजूद है। हाँ, इनके बारे में कोई नसीहत नहीं कर रहे, फिक्र है बात कहते हैं तो उस आदमी जमात करवाना। लानो दुनिया से जाने का करीब आया तो उनका फिक्र यही है, ये देख उमर पना जमा जो इराक की जब रवाना करनी है, मेरी मौत उसके रवाना करने से तुझे रोके नहीं। वरना याद रख, अगर वो जमात अल्लाह के राह में रवाना न हुई तो मदीना मदीना की चीज बढ़ जाएगी, वो भी अल्लाह के राह में फिक्र कर रहे हैं। उमर फारूक जैसे जा रहे हैं तो इन्हें फिक्र उम्मत की है, उम्मत के इंतजाम ना हो, उम्मत बस न जाए। हाँ, उम्मत में जमात बंदी ना हो जाए। हाँ, फिक्र ही हो रही है, किसको किसको अमीर बनाओ फिर गरीबा बनाओ, समझ में नहीं आ रहा। शुरा बना के जा रहे हैं कि तुम पांच बैठकर फैसला कर लेना, और एक कमरे में फैसला करके बाहर निकलना। अब्दुल बारी चौक इसमें अली मुर्तजा है, उस्मान गनी है, सबके बीच सबको जमा करके कह दिया कि देखो मैं खलीफा अमीर बनना चाहता नहीं हूं। अब युग अत्यंत रमे कहो कि तीन दिन तक मैं सोया नहीं, और मदीना में हर आदमी आज किसी में पूछता रहा क्या करूंगा कौन होना चाहिए, यहां तक के औरतों से मैंने मशवरा लिया, कुंवारी लड़कों से मैंने पूछा, तीन दिन तक हो सकता। और इन दो के बारे में मदीना में राय आ रही है, उस्मान गनी के बारे में अली मुर्तजा के बारे में, सब की राय मिलाकर अली अब्दुल्लाह ब्लॉक ने मशवरा लेकर फिर फैसला किया, और फैसला करके अब मेरे दोस्तों ये बाहर निकले कमरे में से, फिक्र उम्मत की है। उस्मान गनी दुनिया से जा रहे हैं, खुद की जान दे दी, शहादत का जाम दे दिया, लेकिन मेरी वजह से उम्मत में खून बह ही नहीं हो सकता। हाँ, भाई मेरा जीजो हजरत साहबा का अंदर का जज्बा जो था वो नबी वाला जज्बा था, आज इस उम्मत के जज्बात बदल गए। फिर ये कहा जा रहा है, हनुमान याद ही फरमा करते थे कि भाई मैं तो इस महीने से न मुझे गुल चाहिए, नमाज न कुर्सी चाहिए, और इस महीने से मैं कुछ नहीं चाहता, चाहता यूं हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ के गए थे, ये उम्मत दीन की उस सतह पर दोबारा आ जाए, ये फिक्र है, ये लगन है, ये धुन है, रात इसी की मेहनत है, रातों को इसके रोना है।
इसलिए भाइयों हमें और आपको किस पर रहना है, चार महीने चिन्ह का सवाल नहीं है। हम मैंने रात में सोचे मेरा जज्बा क्या बन रहा है, मेरी चाहत क्या है, मेरी रातों को रातों का वर्णन मेरा किस किस बात में है। हर आदमी, हर आदमी का मेरे दोस्तों अपनी जात से अपने आप को इन तकाजों पर भेज तैयार करके अल्लाह के राह में खटाने का मौका है। मौत से पहले एक मौका अल्लाह ने दिया है, मरने के बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अल्लाह का दिन दो हम सब जानते हैं उम्र के हालात क्या है, और इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, क्या करो, किस कुर्बानी का मजार कौन से है। हाँ हजरत मौलाना यूसुफ साहब मौलाना करते थे, उम्मत में एक मजमुआ, एक मजमुआ पूरी उम्मत में नहीं जाता, उम्मत में एक मजमुआ ऐसा तैयार हो जो सहाबा की तरह ईमानी सिफात का हामिल हो, और जिनका एक ही जज्बा हो हम मर जाए अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। एक मजमुआ जब अल्लाह के पास अपनी कुर्बानियों को इस बुनियाद पर पेश कर देगा, अल्लाह इनकी जो बड़ा करीम है वो अपने बंदों की कुर्बानी पर अपनी अपनी शान निशान फैसला करेगा। इन खुश नसीब बंदों के मुकद्दर में हिदायत है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे देगा, इन्हें सामने कर इनकी मेहनत सामने कर, और जो भी अल्लाह की राह में और दीन की राहों में रुकावट बनेंगे अल्लाह तआला शान हो अपनी कुदरत से इन्हें निमट लेगा करेगा। हो सकता हमें तो सहाबा के उस पर चलना है, उनकी जगह पर चलना है, और जान माल को अपने अंदर के जज्बे और हौसले अल्लाह के दीन और के हयात और अल्लाह का कलिमा हक दुनिया में बलद हो, ये जज्बा बनाकर अल्लाह को राजी करने के लिए हम अपनी मेहनत को करेंगे। अल्लाह की बारगाह में जब मेहनत कबूल होगी अल्लाह तआला शानो हमें भी हमारी औलादों के लिए और वैदों से उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की हिदायत के फैसले फरमाकर हमें जरिए और बहाने के तौर पर कर देगा, और मेहनत के नतीजे में खुदा हमें वो ईमान देगा जो सहाबा के पास था, ईमान मतलूब उसके खजाने में कभी नहीं है। हाँ, और वही अगर मैं दोस्तों हमारी तरबियत करेगा, हमें हमारे अंदर का जो जज्बा है हमारा ईमान वो बने जो सहाबा वाला, हमारी नमाजें वो हो जो सहाबा वाले, अल्लाह तआला शान हो हमारे अंदर के जज्बे हौसले पर हमारी तरबियत कर पाएंगे, और वो मददें जो सहाबा के साथ हुई वो आज भी अल्लाह की मददें हमारे साथ होंगी, और वो बरकतें जो सहाबा के साथ हुई वो बरकतें हमारे साथ क्यों कि जो मेहनत वो करते थे वो मैदान कर रहे। अल्लाह का मामला तो किसी फर्द के साथ नहीं है, खानदान के साथ नहीं है, जो जितना जरा जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाएगा अपने आप को और आपकी आपके दीन के लिए कुर्बानी देगा, इतना ही खुदा की मदद उसके साथ हो जाएंगे। इसलिए भाइयों आप बजाय से हमारी गुजारिश है हम अपने घरों को अपनी दुनिया को सामने कर चलने के बजाय अल्लाह के दीन को और दीन के तकाजों को सामने कर चलने की तरतीब बनाए और अल्लाह की मदद के मुस्तहिक अपने आप को बनाए, और अल्लाह तआला शानों से दुआओं के रास्ते से अपने मसाइल को हल करने वाले बने। हाँ आमाल जो आमाल अल्लाह के नबी देते रहे हैं वो आमाल जबरदस्त आने वाले हैं, जबरदस्त आता है उसमें,
जब दुआएं मांगी जाएंगी और दुआएं भी कितनी ही ताकतवर है। इसलिए भाइयों अल्लाह का शुक्र है, मेहनत हो रही है, कोई नसीब बंदे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान दे रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे अभी हमारी मेहनत है अपनी दुनिया की रियायत के साथ है। अल्लाह के नबी का नैस क्या है कि अल्लाह के दीन के तकाज़ों की रियायत के साथ चलो, दुनिया को कुर्बान करो, और ये दुनिया जितनी तुम अल्लाह के लिए कुर्बान करोगे और जितनी तुम्हारी दुनिया में नुकसान आएगा दीन के साथ, खुदा इसका मतलब तुम्हें देगा। कि जब तक एक तबका ऐसा तैयार नहीं होगा जिनके घरों में अल्लाह के दीन के खातिर जाओ फिर गया हो फिर जाए दीन के खातिर, जब ऐसा एक तबका तैयार होगा अल्लाह ताला शानो हो उम्मत के संभलने का फैसला करेगा और दुनिया में हिदायत का फैसला करेगा। आप गुजारिश है मैं आपको नहीं कर सकते, काम लेने वाले ज्यादा अल्लाह की है, कमजोरों को ताकत देने वाले ज्यादा अल्लाह की है, कम हिम्मत हिम्मतों को हिम्मत देने वाले ज्यादा अल्लाह की है। अपने दीन के खातिर मेरे दोस्तों, हमें अपने दीन के खातिर मेरे दोस्तों खिदमत लेने वाले ज्यादा अल्लाह की है, बशर्ते हम अपने अंदर का फैसला करके अल्लाह से मामला करें। इधर उधर न देखें, देखें तो साहबा को देखें, साहबा के कुर्बानियों को सोचें और इस पर अपने आप को लाने की कोशिश करें और अल्लाह के सामने इस बात को पेश करें, तू जानता कितने कमजोर है लेकिन तेरे वादों पर, तेरे नबी के वादों पर, खबरों पर यकीन करते हुए कदम उठा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमसे काम लेने का इरादा फरमा दीजिए और हमारी जौक को बदल दीजिए। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुल फ़क़्रि, अल्लाह मैं तो बहुत कमजोर हूं तो मुझे कुव्वत दे, वही ज़रीरुल फ़ाइज़नी और मैं तो ज़रीर हूं मुझे इज्जत दे दीजिए, वही फ़क़ीरुल फ़क़्रि, अल्लाह मैं तो फ़क़ीर हूं तू ही मुझे रोजे दे दे। कई बात पढ़े अल्लाहुम्मा इन्ना ज़ाफ़ा अल्लाह, हम तो बड़े कमजोर हैं हमारी निशानी के, हमारी चोटियों को पकड़ ले तो खैर ही तो हमें ले जा। अल्लाह हमारी रजा और हमारी खुशी इस्लाम बन जाए, इस्लाम आ जाए, इस्लाम जिंदा हो जाए, फिर उम्मत एक मरतबा अल्लाह के दीन पर आ जाए, ये हमारी रजा और खुशी हो। वजह इस्लाम हमारे द्वारा ये हो गए दोस्तों, और ये किन्हें मिलेगा जो चाहेंगे उनको मिलेगा, दुनिया जो चाहेंगे नहीं चाहेंगे उनको अल्लाह देगा उनकी मुकद्दर की जिसको भी। लेकिन नबी वाली मेहनत, नबी वाला जज्बा, नबी वाली फिक्र, नबी वाला दर्द, नबी वाली जिंदगी, ये तो मेरे दोस्तों उन्हीं को मिलता है जो इस राह पर कदम उठाते हैं तालिब बनकर। इसलिए आप से गुजारिश है तकाजों को पूरा करो, इनके मत करो, इस साल में ऐसी डर लग गया तकाजा है और जाऊंगा और जाऊंगा, हालात झेल लूंगा, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कहूंगा। ये तकाजों पर हमारा और आपका अपने हालात को अल्लाह के हवाले करके जाना और दीन के खातिर तकलीफें झेलना, ये अल्लाह की रहमत मुतवज्जे करता है और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है और उम्मत के संभलने की शक्ल पैदा फरमा देते हैं। इसलिए आप अल्लाह से हमारी गुजारिश है इन हिसाबों से निकलकर इस बात पर आओ कि हर हाल में अल्लाह के दीन के तकाजे पर अपने आप को तैयार करके अल्लाह के दीन पर तकाजों को मौत तक पूरा करते रहेंगे। अरे करोगे? हाँ,
सामने दुनिया की हालत लाएगा। शैतान आए तो कुमन फापर, शैतान तुम्हें फापर और तंगी से डराएगा। डरियो मत और अपने आप को आगे बढ़ाइयो और कदम आगे चलाइयो। अल्लाह की मदद मेरे दोस्तों, बंदे के कदम उठाने पर और अपने आत्म इरादे पर चलने पर खुदा की मदद होती है। अपनी तरफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह वादा करते मफरत का मफरत कर देंगे। अपने फजल का वादा था हम उसके साथ अपना फजल शामिल आ कर देंगे, और अल्लाह का फजल जिसके साथ हो गया उसका तो काम बन गया। अल्लाह का फजल ही सब कुछ है। इसी में दोस्तों अभी आप उदाज के सामने तकाजे हैं, आपकी जमातें जोरों में चली हैं और जोरों में चलकर आपके सामने जिले की अहमदाबाद जिले के तमाम हालात आपके सामने आ चुके हैं। और उम्मत की मेरे दोस्तों तीन के अतबार से कुर्सी इसको आप हजार कारगुजारियों में भी सुन चुके हैं और खुद भी जाकर देख चुके हैं। याद है दोस्तों कि जोरों की जमातों को कमजोर भी होना चाहिए और इसमें मेरे दोस्तों घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें आगे बढ़कर जोरों की जमातें मजबूत बनाकर और मेहनत को आगे बढ़ाने की दिशा करनी चाहिए। यहां तक कि मेरे दोस्तों हमारे जिले में और उम्मत में एक एक फर्द अल्लाह के दीन पर कायम हो जाए और दीन को मजबूती से पकड़ने वाला बने और उसके दिल में अल्लाह का दीन अपनी जान मान औलाद हर चीज से ज्यादा कीमती बन जाए कि दीन के खातिर सिर्फ जो कुर्बान कर सकता हो अल्लाह के दीन को कुर्बान नहीं कर सकता। जैसे स्वाइप रूमी ने मक्का में पूरी जिंदगी की कमाई को छोड़ दिया लेकिन अल्लाह का हुक्म हिजरत का है, हिजरत करके चले गए और सब दे दिया, ले लो जाओ ताजिया में ले लो माल भी दे दो मुझे छोड़ दो, अल्लाह को हुक्म करो। जब मैं तो मदीना बना और पहुंचे अल्लाह के मेरे नबी ने पहली मुलाकात में कहा कि बड़ी फायदे की और नफे की तिजारत करके आए हो, रबी हल भाई हो, अरे तेरी तेरा सौदा तो बड़ा नफे का हुआ है। हाँ तो उन्होंने सोचा कि मेरे और अल्लाह के दरमियान तो कोई जाता नहीं कोई मामला। अल्लाह के नबी ने पहली मुलाकात में कहा मालूम होता है अल्लाह की दर खबर दी गई है। ये आया उसने कहा सौदा करके आए। ये मेरे दोस्तों ऐसी मकबूल आमाल करके गए क्या है आसमान से इनके कबूलियत की अल्लाह ने खबर दी। ऐसा प्यारा रास्ता है ये, खपो खपो बुलाओ मिलाओ बताओ और अपना लगाओ, इतना लगाओ कि मेरे दोस्तों जिंदगी में मुजाहिदा आ जाए और अल्लाह को भी रहमा जाए। इसलिए भाइयों ये जौक की जमातें मजबूत और साथी हमारे पहले जो साथी थे वो फिर जाए और दोनों की जमात में जाकर जब तक मेहनत करें एक एक मुसलमान की मुलाकात एक एक मुसलमान की खुजावत और फिर अल्लाह से कटकर रोए। अल्लाह से रोना इतना रो खुदा के सामने उसको भी रहा जाए। आपका रोना ये अल्लाह की रहमत मुतवजे करता है। किसी मेरे भाइयों एक तो तुम्हारे पास तकाजे ये हैं, ये जोरों की जमातें जिसे 16 जोरों पर है अब तक 13 रह गए। 13 जोन जो है वो खाना पूरी की जमात नहीं बनानी, आप हजरात जैसू की मजबूत जमात बनाओ और खूब जम कर मेहनत करो और रातों को खुदा के सामने खूब जम के रो तो इस पर अल्लाह ताला शाह हालात बन देंगे। एक तो मेरे दोस्तों बता दिए हैं कि जमात
जमातें 13 जमातें इसी जब इसी मजमे में तैयार हो जानी चाहिए। आप हजारत ने मेहनत भी की है और अल्फों ने जमातें दोस्तों तैयार भी की है और उनमें बहुत से साथी थे मौजूद होंगे, वो खुद तमाम के तमाम अपने आप को पेश करें कि इंशाल्लाह जौन की जमातों में चिल्ले के लिए हमारा मशवरा हो जाएगा, हम जाएंगे और हम अपनी जौन को पूरी मजबूती के साथ चलाएंगे और बातें जो इनके साथ और होंगे उनका आदू के अतबार से भी चरण तश्कील हो जाएगी। अभी तो फौरी तौर पर जो कहा गया है सितंबर की बहुत ही पहले जमात फौर की जमात जल्दी करने वाली है, 18 सितंबर को शाम को जमा होना है और 21 सितंबर को कोई हिदायत और आगे की बात होकर होना होना है, यही है ना। हाँ तो आप रहते हमारी गुजारिश है कामों को मत देखो, उम्मत के हाल को देखो, मेरे तुम्हारे काम तो क्या काम है मेरे भाइयों। अगर थोड़ी सी दुनिया को दुनिया के कामों का नुकसान बर्दाश्त कर लोगे तो ये नुकसान नहीं होगा, ये तो अल्लाह की कुर्बानी लिखी जाएगी और इस कुर्बानी पर खुदा की रहमत बदलती होगी और अल्लाह के लिए जितना तुम कुर्बान करोगे खुदा इसका बदल इससे अच्छा देगा। और ये मतलब कि नुकसान जमात में कहीं इसलिए हुआ है, यहां रहने के जमाने में लिखा जा चुका था यहां रहते हुए भी हो तो लेकिन वो कुर्बानी नहीं करा दिया जाएगा। और हम गए और जाने के बाद होगा कि मेरे बंदा मेरे राह में निकला और इसकी इतनी तक ये नुकसान उठाया उसने, अल्लाह उसे कुर्बानी करा दे देगा और कुर्बानी पर इंसान अल्लाह के करीब होता जाएगा। इसे भाइयों खड़े होकर बोलना शुरू करो कि इंशाल्लाह जौन की जमात में मैं तैयार हूं, मेरे साथ जमात तैयार है या खुद तैयार हो अपने साथी तैयार हो, सब खड़े होना शुरू करो इंशाल्लाह जौन की जमात में मैं इंशाल्लाह तैयार हूं। अब खड़े शुरू करो, खड़े हो सोते वक्त खड़े हो जाओ माशाल्लाह अल्लाह को फरमाया और खड़े जाओ अल्लाह इनकी जानों में मानों में ईमान में आमान में आबरू में इससे तो खुदा भर के नसीब फरमाया। और खड़े शुरू करो, इन मस्जिदों से दोनों की जमातें बनी है वो उनके सारे जिम्मेदार मौजूद है, वो भी अपनी जमात की बारे में जो नाम है वो पूरे नाम की फहरिस्त तैयार करके अपने भाइयों को हमारे दे दें ताकि उनकी जमात की तरतीब बन जाए और उनकी जमात के बारे में लिखा जाए कि भाई मेरे साथ हमारी पूरी जमात है और जहां मेहनत हो रही है और जहां जितने लोग तैयार हैं वो तो तैयार है, उनको जमात मुकम्मल करनी है, लिहाजा जमातों को मुकम्मल करने के लिए अभी से लेकर 19 तारीख तक अभी क्या तारीख है 12 है, 6 दिन बाकी है। अपने 6 दिन घर जाने के बजाय अपनी जमात को मुकम्मल करके रवाना करके फिर हमें घर जाना है। इस बुनियाद पर खड़े होकर बोलना शुरू करो कहां कहां की जमातें हैं और जमातें कहां बन रही हैं और किन किन साथियों के साथ जमात तैयार हो रही हैं, ये अपने आप को पेश करो, नाम लिखाना शुरू करो। शेरा की जमात कई शेरा की जमात पूरी जमात तैयार है, चलो और ठीक अपना नगर की पूरी जमात कितने साथी है 12 साथी आप भी उसमें है अल्लाह को शेखबीर हाँ तो कितने आदमियों की जिम्मेदार कौन है आपका भाई क्या आप है जाकर अरे भूल नहीं जाते जाकर रहे हो यार लगते हैं अल्लाह को सुनाओ चलो और बाकी साहब जिम्मेदार सब जमा मजबूत है ना और चलो तीन और आते हैं बच्चे पूछे हैं 5 से 15 होने चाहिए तुम हो उसमें तुम्हारे साथ जमात है सबके नाम आ गए हैं मेहनत तो चाहिए लेकिन 12 पक्के हैं तुम्हारी जमात तो मजबूत पक्की है ना अरे मेहनत चालू अब तक मेहनत करते रहे अब तक तो रहे 8-6 दिन या तो एक बात करो कि जमात मुकम्मल करने तक घर नहीं जाएंगे मस्जिद में जाकर मेहनत जमात मुकम्मल करके फिर रवाना नहीं जाएंगे तो जमात मुकम्मल होनी चाहिए
ठीक है, और साथी तुम्हारे कहा अंजमान मुल के, अरे अंजमान क्या देखो, इंशाल्लाह तुम्हारा ये अभी जाकर मस्जिद में ठहरना, अपने साथियों को लेकर और मेहनत में रखना, ये तुम्हारे काम को बहुत मजबूती देगा। जमात मौका एक दो दिन में हो जाएगी जमात मौका में इंशाल्लाह। अभी इनके तो पूरी करने दे यार, वीर कमाल को लाकर रख दिया, अब तो जमात को बाकी है। ठीक है बेटा, कर लो गए अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। हाँ भाई, क्या वीर कमाल क्या है, कितने आते की ये सब वीर कमाल वाले हैं भाई। तुम दोनों एक बात तय करो कि इंशाल्लाह जमात मुकम्मल करके गुजर जाएंगे, ये करो भी तो होगा। तुम घर जाके सो जाओ, मैं काम में रह जाओ, मैं जमात मुकम्मल हो जाए ऐसा नहीं होगा। थोड़ी कुर्बानी दो के अल्लाह के सामने रो के तो अल्लाह आसान कर देगा। ठीक है भाई, अल्लाह को बोलो ना कर। और कौन है हाँ, कितने आदमी है, दस आदमी तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी दो की बात बढ़ाने हैं। ठीक है, अल्लाह को बोल आता प्रभाव चार और कौन सी चावल, यहाँ के चावल दूसरे चावल नहीं है। हाँ क्या है, चार वार की चार जमात है, चार वार की चार जमात होनी चाहिए। तुम्हारे साथ जमात तैयार कर दी तुमने, मामू क्यों बोलते हैं, मामू चार वार किया है, तुमको कौन बोलने का कहते हैं, इनके साथ ही तुम्हारे साथ है। कितने बांधे हैं, दस, तो दस तो कम है, दो तीन और बढ़ाओ। ठीक है, अल्लाह का वहां करो। पांच पट्टे क्या है, दस खाने की जगह तो कम है यार, बारह पंद्रह होने चाहिए। तुम जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, दस साथी के दस याद है, पशु लिखिए इसमें क्या वसूली करने की है, जाने का नहीं रखना है, क्या करते हैं, नजदीक जाने करते, कैसे जाने की जाए, बुलाने बुलाने हैं और तीन चार बढ़ाओ, चल लिखो अल्लाह को मुम्मा लो, हमारे हमारे जूने गला खड़े हुए हैं, अरे शब्द जूना गला हमारा है, क्या है, कितने आदमी की है, तैयार हो गए दस, अभी और बढ़ाओ, तीन तीन या पांच, तेरह या पंद्रह करो। ठीक है, और कैसे बैठो मत, चलो अल्लाह को मानो। और बोलो मिर्जापुर कितने आदमी दिया है, मेहनत तो कब से चालू है, अब तक तो जमात मुकम्मल जाने चाहिए थी, फिर ऐसे सुस्ती की तुमने, अब क्या करो, जमात मुकम्मल करने के लिए क्या करोगे बताओ, घर जाओगे तो नहीं होगी, अभी छह दिन बाकी है, आप बता दें छह दिन तमाम साथी मस्जिद का कयाम करके थोड़ी सी मेहनत जमकर कर लोगे तो इंशाल्लाह जमात मुकम्मल हो जाएगी, राम हो जाएगी। तो इसका एक अर्थ ही होगा कि मेहनत करके जमात पकड़ के जाएगा घर। ठीक है, कौन है तुम्हारे साथ, अरे मिर्जापुर का कोई है या है, ये सब काम क्या है, तुम लोग कहीं क्यों मिर्जापुर, ये उनके भाई तो नहीं है, कंपनी का चले गए वो, तो ठीक है साथ रहोगे इनके जमात मुकम्मल करने के लिए, भाई तुम्हारे साथ रहेंगे, चलो अल्लाह आसान और मैं अल्लाह हुकुमा। और बताओ, और बोलो बोलो, अरे यहां की कोई जमात नहीं है, यहां की मलेक अहमद
की बलूचावान की और तुम्हारे कौशिक की कौशिक अभी और भी बहुत प्रसिद्ध है वो कौन सी पोल वैसे पोल है ना पोल 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 वटवा बहुत देर से बोले थे सर वटवा में दूसरे नारोल में से तुम बोलते क्यों नहीं नारोल है अलहम चलो वटवा के कितने आते कि और फिर 14 को तुम कहो कि जमात नहीं ऐसा नहीं होगा जमात पक्का पक्का चलानी है आज जाकर मेहनत करो बात से ठीक है पक्की बात मुसलमान है अल्लाह का फरमान अल्लाह बोलो और बोलो और बोलो पार्टी वाले तो दूर दूर जाते होंगे अरे गरीब गरीब की गरीब बच्ची गरीब की शह खबर लो पार्टी वाला है भैया अरे बेचारे माधुर को क्या कहते हो तू तेरे जैसा बोल रहे मैं हूं आदिल है ओवैस है सलमान है नहीं यूनो पत्नी यहां जाओ यहां अरे मैं ज्यादा पढ़ा दे मोहम्मद पे कर्ज मुफस लोगों के पास जाओ जिनको दुनिया नहीं पूछती कोई पूछता ही नहीं तो किसने पूछा तो इनके पास जाने से क्या मिलेगा कहीं के पास जाने से अल्लाह तुम्हें मिलेगा टूटे हुए दिल नहीं है कसवापुर से कोई पूछने वाला नहीं है और बोलो और बोलो इस मजमे में जिन्होंने अब तक कोई इरादा किया नहीं है और अपने मस्जिद में नाम नहीं दिए हैं ऐसे कुछ लोग खड़े होकर बोलोगे इंशाल्लाह आज की मजलिस में अल्लाह के दीन के तकाजे पर मैं अपने आप को पेश करता हूं उनकी जो भी हल्का हो जो भी मस्जिद हो अपने आप को पेश करोगे ये दोनों भी जमा कर इंशाल्लाह हम अपनी जात से तैयार है और खड़ा होता देखो पहल करो पहल ऐसे मौकों पर पहल करनी चाहिए और खैर की शादी बननी चाहिए ताकि ये रूह उम्मत का खुदा जिंदा कर दे कि अल्लाह के दीन के तकाजों पर कहा कि हम अल्लाह कबूल पर यहां हमारा ना बोलो माशाल्लाह लग लग खड़े हुए और बोलो और बोलो और बोलो अरे यहां हो यहां आगे बढ़ो खुदा पर आएगा तुम्हें बैठे रहने के से कुछ काम नहीं चलता हाँ बैठे रहने वाला कुछ नहीं कर सकता खड़े हो तो जो खड़ा होता वही चलता है और अल्लाह उन्हें चलाते हैं फिर आज का कौन खड़ा होगा इस मजमे में जो इरादा करता है ना इंशाअल्लाह दीन के तकाजे पर मैं तैयार हूं मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा जी पहले को कहां के कौन सी मस्जिद अल्लाह हो माओ बोलो और बोलो तू तो वहां पूछते भी ना लिखते भी नहीं है क्या है ये अल्लाह हबू करना अल्लाह मदद करना अल्लाह आता फरमाए अल्लाह तुम्हें और हिम्मत है और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो यही मौके हैं अल्लाह से कबूल करवाने के और आगे बढ़ने के देखो कौन खड़ा होता है लोग दुआ कराने आते हैं दुआ कराने की चीज नहीं है बेटे अभी तो आप चिल्ला चल रहे हैं लेकिन जोन का एक चिल्ला बढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला खूब फरमाया खुदा बहुत दस फरमा रहे खुदा खूब तरक्या से नवाज है ये है वो तो दुआ तो निकलती है हाँ, जो हमारे साथी बेबसी में बेकसी में
अल्लाह के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, उनके लिए तो खुद दुआ निकल जाती है, खुद दुआ निकलती है। अरे तो बोलो दीन के तकाजे पर अपने आप को पेश करो और फिर अल्लाह से कहो हालात हमारे तू जानता है, आसान तू करेगा। हाँ, अल्लाह के नबी की दुआएं ले लो। नबी अल्लाह के नबी ने जिंदगी में दुआ दी, अल्लाहुम्मा नसर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां के बेटे? अल्लाह ताला को फरमा, अल्लाह हमारे जवानों को और आगे बढ़ा है। नबी की दुआओं को दूसरे समझाते हैं तो देखो अल्लाह ताला को फरमा कौन सी मस्जिद? अरे तो जैसा कौन इतना खड़ा हुआ, कुछ बोलता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं। अपन तो मोड़े पर खड़े थे, कहते सबसे पे तुम दिख रहे हो ना पूछ रहे हो कुछ ये जाएंगे अल्लाह के जैसे खड़े तो बोल रहे हैं। और बोला बोलो और बोलो अल्लाह तो बहुत करेगा। अल्लाह के बाय नबी की दुआएं चाहते तुम्हारे पहला जो दिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर, उसकी तू मदद कर। नबी की मकबूल दुआएं हमारे साथ दरवाजे को क्या नाम अफसर कहां के बेटा? अफसर बापू नगर कौन से मस्जिद? अल्लाह मुझे ऊपर मान ला आसान मान। और बोलो और बोलो ऊपर में बोलो खुदा तुम्हें आगे रखेगा, ऊपर बढ़ाएगा। खड़े करो हालात को सोच के तय मत करो, हालात को अल्लाह ही बनाने वाले हैं। हाँ आज हमें दोस्तों जिनके हालात बने हुए थे उनके हालात बिगड़ गए, दुनिया में यही हालात हो रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में। और अल्लाह के नबी की दुआओं की मदद से हमारे हालात खुदा बनाएगा दीन की किस्मत पर। और खड़े हो जाओ दिल्ली आने के लिए सोचो पर अपने को पेश कर दो, कहला तुम्हें दिल में जाना है मैं तैयार हूं, मेरे आसन कर दे। अल्लाह आसन कर देता है जब वो खड़ा होता है। और हिम्मत करो 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 अल्लाह तुमसे काम लेगा। यही और ऐसे ही मौके होते हैं कि तकाजे पर आके अपने आप को पेश कर देता है और अल्लाह उसे चला देता है। चलते वही है जो अल्लाह अपन निगाह रखकर चलते हैं, जो दुनिया के अस्बाब को सामने नहीं चलते वो जाया चल नहीं पाते। और जब वो पंगा होता है दिल में तो बहुत सो आ रही बात कि यार चलो चलो चलो, लेकिन शैतान कहता अभी नहीं अभी नहीं, उसकी बात मत मानो बल्कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन करके पेश कर रहा हूं मैं आपको। जीवो कौन करा होता है अपने आजू बाजू देखो, मुझे मत देखो आजू बाजू देखो, किसको तैयार करो, कौन तैयार हो जाए, कौन हमारा भाई अपने आप आगे बढ़ा दे, खुद के साथ और तैयार हो दूसरे के लिए खड़ा करो हो जाओ अपने दोनों तैयार हो जाओ। ये होता है असल में तो कहो तो एक पांच मिनट आपस में देखो पूछताछ तो करो, पूछताछ करो तैयार है। नाम लिखो क्या नाम? अल्लाह ताला अल्लाह मदद फरमा डॉ का जो लोगों ने तैयार करे तुम्हारे साथ देखो भाई डॉक्टर वाले यहां पर है दूसरे पांचों खड़े हो जाओ फॉर्म पर तैयार है और नहीं है तो फॉर्म तैयार हो जाओ मुकम होकर जवाब माशाल्लाह। और कौन है? अरे जो आया वो खड़े तो बोलो तो इंसान हम तैयार है उधर तुम्हें फोन कर ले जाता घबराओ मत, ये तो बढ़ने का रास्ता है। खड़े जाओ खड़े अल्लाह हम सुनो ऊपर नजर कर और तुम्हारे साथ ये बहुत देर से ले जाओ मैं देखो अल्लाह को अल्लाह मदद बताए और बहुत दुआ बोलो
हाँ बोलो बोलो भाई। आज देखो हमने जो अपनी बात को मुख्तसर किया तश्कील के लिए किया, आप अल्लाह थोड़ा सबर कर लो, बैठो आप अल्लाह के, तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह अपनी अपने नबी की उम्मत के दिलों को नरम फरमा दे और दीन के तकाजों पर खड़ा होना आसान कर दे। शाही साहब के समाज को बोलो, एक जमात तैयार है भाई, शाही साहब के साथी हैं क्या है? चार साथी तो बहुत दिनों से है, जमात मुकम्मल करने की बात करो मैं है। आप यहाँ जल्दी आए नहीं, इसके बारे में तुम्हारी अंदर ही नाउमीदी है कि हो गए चारा पर तैयार तो होता नहीं, क्या करेंगे। जो नाउमीद होता है उसको अल्लाह भरता मदद नहीं करता, जो अल्लाह से उम्मीदवार होकर मेहनत करता है अल्लाह से रोता है तो अल्लाह फिरता ही जाता है। हाँ क्या कहते हो, जमात पूरी करके घर जाओगे? मेहनत के लिए अल्लाह को खारिज करो, थको थकोगे तो वो फिर ठीक है। चलो अल्लाह मुझे बहुत बोल रहे, ये बच्चा क्या कह रहा है? अल्लाह वो बहुत बिल्कुल तेरे साथ को तैयार कर, तेरे साथ तैयार हो जाएंगे ना। कहा के अल्लाह हबू और अल्लाह मुझे सम्मान अरे बोलो अरे अरे कुछ ना कुछ करो तो सही, मेहनत करो, किसी को तैयार करो, जो खुद खुद लगा चुका है दूसरे को तैयार करेगा अल्लाह उसका साथ उसको देगा। अरे डाल करवा भी बोलता क्या है इतना बड़ा डालवा तुम्हारा है, ऐसे तकाजों पर तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी जी बोलो पड़े हो क्या तो उन्होंने आगे सवाल किया तो खड़े हुए तो छह शादी तैयार तो जवाब तैयार हो जाएगी, इनको मेहनत करो दे दो, इनके साथ है ये भी तैयार हूं मैं, ये को मैं तैयार हूं जवाब तैयार कहो, मैं एक जमात के साथ तैयार हूं अल्लाह आपका मन अल्लाह को और बोलो अच्छा भाई ये चाहते हो कि ये तकाजे सब पूरे हो जाए और अल्लाह उन तकाजों में पूरा होने में हमेशा आने फरमा दे, ऐसा चाहते हो? अरे बोलो कौन कौन जाता है? अच्छा ये हाथ तो उठाए ना आपने, अच्छा चाहते हो तो क्या करोगे बताओ, इसमें से सिर्फ एक काम करो कि जितना चाहते हैं और जो हाथ ऊंचे किए हैं वो इतनी नियत कर लो कि इंशाल्लाह इन छह दिनों में मेहनत करके मैं अपने साथियों में से एक को तैयार करूंगा।
इसका फैसला करे कौन बोलता है कि इंशाल्लाह मैं एक जो तैयार हो चुके उनको नहीं, जो जमातें बन चुकी तैयार हो चुके नहीं, अपने साथी और नए साथी को एक आदमी को छह दिन में मेहनत करके इंशाल्लाह मैं अपनी जात से तैयार करूंगा। और कैसा करोगे बोलो, करोगे बोलो, बोलो और कौन खड़ा और कौन कौन तैयार करेगा एक आदमी और देखो और कौन देखो एक आदमी तैयार करना है और देखो और देखो माशाल्लाह और कौन खड़ा होता है माशाल्लाह अल्लाह को फरमाओ अल्लाह आता फरमाओ अल्लाह मदद फरमाओ। अगर तुम्हारे दिल में तुमने सच्चा इरादा कर लिया है और इंशाल्लाह मेहनत करोगे और दुआ मांगोगे अल्लाह जरूर मदद करके आसान कर देगा। अगर ये सभी के काफी तैयार कर लिया है तो सब जवाब है मजबूत उनके वहां हो जाएंगे। ठीक है भाई अल्लाह को। अच्छा भाई दोस्तों इस मजमे में जिन भाइयों का इस साल का अब तक चिंता नहीं लगा, साल पूरा होने में पर दिन बहुत बाकी नहीं है, सितंबर तक पूरा होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने बाकी हैं साल को पूरा होने में, और इसमें बहुत से लोग होंगे जिनका नवंबर में होता होगा, सितंबर में होता होगा, अक्टूबर में होता होगा, और बहुत से हुआ जिनका वक्त हो चुका, रमजान पे भी नहीं गए, रमजान के बाद ही नहीं गए, और उनका साल दिल हो रहा है, उनसे हमारे आज ज्यादा गुजारिश है अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन के साथ इंसाफ का मामला करो और दीन के मददगार बनो। जो दीन का मददगार बनता है अल्लाह उसकी मदद करता है। आप अगर अपने हालात को देखकर मत चलो, सलमान हालात से भी नहीं चलता, सलमान को अल्लाह के हुक्म को देखकर चलता है, और अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो, और अल्लाह ने कुरान पाक को हुक्म दिया हो मैं ओ ईमान वालों हो अल्लाह के दीन के मददगार बनो। याद है दोस्तों इसमें जितने ऐसे साथी हैं वो मेरे दोस्तों अपने आप को पेश करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा चिल्ला सितंबर की फरार तारीख को अगर सितंबर द्वारा हो रहा है अक्टूबर हो रहा, लेकिन अपना वक्त तय करके अपने जितने के वक्त जाना तय करके अपने आप को पेश कर दो इंशाल्लाह मेरा चिल्ला फरार वक्त में इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। जिनके चिल्ले मेरे दो उन्हें से एक भी बातें न रहे खड़े हो जाते कब लगाओ भी चिल्ला नवंबर में ये सितंबर को ले कराओ। जो जॉब में जाने वाले उनको नहीं, जॉब में जा रहे उनको तो जाना है, लेकिन इनके अलावा जो है जिनके अवकात बाकी हैं और चिल्ला लगा ही नहीं अब तक साल पूरा होने आया उनको अंदाजा और गुजारिश है कि मेरा साल मुझे लगाना है और बढ़ लो। ये तो सब जमाते ही है, कब जाएंगी जमाते हैं इनकी इनको तारीख है पूछो ना कौन से तारीख को जाएंगे पांच चलो इनको इनका आएगा जॉब में और अल्लाह भाई वो नवंबर में होगा बहुत लंबा से नवंबर जाते हो कौन से भाई नवंबर की कैरी नाम का मैं पहले नाम लिखूंगी कौन से अक्टूबर 25 दिन को अल्लाह भगवान है और ये अल्लाह ने कहा देखो 24 22 से 24 है 2 अक्टूबर
अच्छा दूसरे ग्राउंड में जाएंगे अल्लाह को वहां बोलो कहां के हो अच्छा चार वर्ड वाले और बोलो और बोलो ये संभव करते हैं अल्लाह के बंदो अल्लाह के बंदो खुदा के सामने अपने आप को मौला बन के पेश करो और फिर अल्लाह से कहो दावा करेंगे तारीख बोलो तारीख कौन सी तारीख नवंबर में तारीख बोल दी तारीख एक नवंबर चल को जिस काम को तारीख रखता वो काम होता ही नहीं कभी नवंबर दिसंबर नहीं तारीख बोलो और बोलो मोहताज बन के पेश करो अपने आपको अल्लाह के बाद नाम है हाँ अल्लाह का दिन इतना सस्ता नहीं है कि दिन पे बात भी इरादा भी न करो न मामला भी न करो न तौबे मिल जाता हाँ और बोलो और
को बात निकालने के इरादे किए जा बताओ तो सही। पंद्रह क्या अल्लाह को घुमाओ उसे दिखाई दे अच्छा बोलो पच्चीस कहा अल्लाह का मतलब अब बोले चार महीने अल्लाह का मोहम्मद और बोलो तारे बदलो मतलब किसी तारे से निकालनी है और बोलो दस ग्राम बजे कौन सी बजे आदम था पांच बजे रखना अल्लाह का मोहम्मद और बोले अल्लाह का आता मोहम्मद और बोले अल्लाह ताला हो अल्लाह का एक नवंबर चार महीने बाद अल्लाह हो अल्लाह तुम तो अभी जाओगे ना हाँ तुमको जाना है अभी वो पक्का करने तुमको कहा करते हैं एक पंद्रह सितंबर जिंदगी चार महीने की चार महीने की कहा से रसूल अल्लाह और बोलो अल्लाह का हो अल्लाह को वहां बोलो और बोलो 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 अल्लाह मदद करेंगे बोलो अरे कोई नसीब है ये जान ये हमारी जरूरत सब अल्लाह के नबी वाली मदद में थके इससे बड़ा मुश्किल कौन हो सकता है दुनिया जमीना के पीछे तो हर के मजदूर से फायदा करता है जिसके पास ईमान नहीं वो भी थकता है कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ अल्लाह के पैर नबी ने जहां अपने आप को थकाया है इसमें थकना और इसमें अल्लाह को रहमाता है। हाँ इसमें थकाओगे अपने आप को तो तुम्हारे थकाने पर तुम्हारे खानदान को खुदा रह जाएगा तुम्हारी कौमों के लिए खुदा खैर खैर पैदा करेगा इसमें थकाओ क्या आपको और बोलो अब एक बात का तो इरादा सब कर लो अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में अपनी मेहनतें बढ़ाकर एक एक मुसलमान की मुलाकात करके उस मुसलमान को मस्जिद में लाना और मस्जिद की मेहनत से जोड़ने की फिक्र करना यहां तक कि हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान बेनमाजी नहीं रहना चाहिए। देखो इंशाल्लाह करके तुम लोग करते नहीं हो ये वही अच्छी बात नहीं है इसको अपनी जिम्मेदारी दे लो और इसे करो है ना। अभी तक इतने साल हो गए अभी हमारी मस्जिदों हमारे मोहल्लों में नमाज में जिंदा नहीं हुई हमारे मोहल्ले का यह हाल क्या नाम हो रही हमारे बच्चे खेल रहे हैं ये हमारी अपनी ने दोस्तों काहिली सुस्ती और हमारी गैर जिम्मेदार जिंदगी का भी है और हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को जिंदगी के आखिरी दिनों में इस बात को बहुत कहते थे
कि भाई हमें तो ये बताओ कोई बस्ती ऐसी हो जिसमें 100% मुसलमान नमाजे हो गए हो। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, नमाज को छोड़ना मामूली गुना थोड़ा है। जिस कभी ने फरमाया हो कि जिसकी नमाज गई उसका गोया उसके पास सत्य उसका सत्य लुट गया। अब ये हालात आओ कि क्या ये हालत चाहे तो क्या आएगा। इसलिए भाइयों अपने मस्जिद बार जमात की मेहनत को मजबूत बनाओ और खुद अपने अवकाश को पारित करके फिक्र के साथ एक धुन बनाकर एक इरादा और नियत बनाकर अल्लाह से मांगकर अपने मोहल्ले के घर घर पर एक एक फर्द की मुलाकात करके उन्हें मेरे दोस्तों मस्जिद वाले बनाओ। और नमाज तो नमाज मर्दों में हो तुम्हें जिंदा हो इसकी फिक्र करो, तस्वीर जिंदा हो, जिक्र जिंदा हो, तालीम जिंदा हो। भाई जहां खुरूज है खुरूज के साथ साथ ये आमाल को उम्मत से जिंदा करने हैं, इसकी तबियत पर रोज लेकर मेहनत करो और आपको उठा के रोज मांगो जिनको उसके हाथ में है। इंशाल्लाह हमारी मेहनत खुदा रायदा नहीं करेगा। लिहाजा हर साथी इस बात को दिल पर लेकर जाए आपसे कि इंशाल्लाह अपनी मस्जिद वाली जमात में जुड़कर मेहनत की तरकीब बनाकर अपने मोहल्ले के एक एक मुसलमान को मेहनत मैदान बनाकर मस्जिद में लाने की फिक्र करेंगे और 100% नमाज उम्मत में जिंदा हो इसके लिए अपने आप को थकाएंगे मेहनत करेंगे लाजमा देंगे करोगे। जहां बैठे वहां ये बात करो, जो मुसलमान मिले उसे बराबर ही करते हुए तो भाई नमाज तो कहीं पढ़ ली होगी तुमने करने या नहीं होती तो बात समझ जाओ कि भाई नमाज छोड़ने का कितना भारी नुकसान है और मुसलमान और नमाज छोड़ेगा ये तो नहीं हो सकता। सीखो प्रयास करते हैं नमाज पढ़ने के लिए जहां देखो बात करो यही दूर बनाओ दिमाग पर यही सोचो और चाहे वो तकलीफ क्यों ना हो है तो मुसलमान उसे भी समझाओ उसे जाओ तो उम्मत की एक एक तबके को एक एक फर्द को और ऐसी कोशिश करो खुद ही नमाजों का इंतजाम करो। ये बहुत अहम की बात है कि जो लोग तबलीग की मेहनत करने वाले हो और वो अजान के बाद भी बात करते रहे और रात के बाद भी उठने चाय पी है बहुत नामुनासिब है। अजान के बाद तो कोई भी काम छोड़ो आ जाओ ये तुम्हारा छोड़ कर तुम्हारे दोस्तों के बीच में जा जाना ये जबरदस्त दावत है। हाँ घर में से दुकान में से अजान के होने के साथ हुआ और सब छोड़ा चले और चलते चलते और मुसलमान में चला गया अजान हो रही है। इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से एक बात को आम करोगे अल्लाह के दास से उम्मीद है ये चीज जिंदा हो जाएगी। हाँ और नमाजें जिंदा होना शुरू हो जाएंगी करोगे दुरुस्ती पढ़ लो कुछ है तो ना अरे भाई चलो दुरुस्ती पढ़ लो سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جل جلاله لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونشرك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام أي الله أمر بالعنف فعفرنا أمر خطا شدد ذكرنا أمر جماع ونعم قبول فرما میرے مولا تیری توفیق سے تمام تیرے بندے تیرے دین کی اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور سب نے اپنے دلوں میں تیرے دین کے لیے ذمہ داریاں اٹھا کر محنت کرنے کے ارادے کی ہیں اے اللہ انہیں سب کو قبول فرما اے اللہ کے ارادوں کو قبول فرما
اب آگے بھی ہے ان کی محنت کرنا آسان فرما, نشر شیطان کے دروں سے ہمیں نکال دے, اور اے اللہ تو ہمیں اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں حال فرما کر, اے اللہ اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دے. اے اللہ جیسے تم نے حضرت صحابہ کو شفا کی ایمانیہ سے تو نہیں آراستہ کیا, اور اللہ ایمانی اخلاق تو نہیں دیے, اور اللہ ایمانی زندگی تو نہیں عطا فرمائی. اے اللہ ہم بھی تیری مدد کی محتاج ہیں, اے مولا ہمیں بھی اللہ ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے, اور ہمیں بھی ایمانی زندگی عطا فرما دے, اور ہمیں بھی ایمانی اخلاق اور معاملات کا معاشرہ فرما دے. اور اللہ تو ہی اپنے بند ہو کر ہمیں بھی دین کے دین کا درد نصیب فرما, دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما, اور اے اللہ تیرے دین کے لیے اپنے محبوب سے محبوب چیز کا قربان کرنا آسان فرما. اے اللہ تیرے دین کی عظیم محنت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے ایسا وہ صفات سے ہمیں تو آراستہ فرما, ایسا جن صفات کو تو دیکھ کر مدد دیا کرتا ہے, اور جن صفات کو دیکھ کر تو ایسا فیصلہ کر دیا کرتا ہے, اور دینی اے اللہ طاقت جلدی محنت کی ان صفات سے تو ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو تو آراستہ فرما. اور اے اللہ وہی اپنے بندو کرم سے جو قربانی خوب جاتا ہے اس قربانی کا دینا امت کے لیے آسان فرما دے, اور اے اللہ اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں پوری دنیا میں تو ہی زندہ فرما دے, اور امت کو ایسا قوم عالم کی ہدایت کا آنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ تیرے ان بندوں کو پوری اپنے بندو کرم سے قبول فرما دے. اے مولا جیسے انہوں نے تیرے دین کی نسبت پر تیری توفیق سے اے اللہ تیرے دین کی فکروں میں شریک ہو کر تیرے دین کے لیے عزائم ارادے کیے, اے اللہ ان کے عزائم ارادوں کو قبول فرما دے, اور اے اللہ ہر ہر فرد امت کو اے اللہ پکا سچا نمازی بنا دے, اور فرد امت کو تیرے دین کا داعی بنا دے, حق کا داعی بنا دے, اور اے اللہ ایسا ہے کہ فرد امت کو مردوں کو عورتوں کو تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کے طور پر نصیب فرما دے. ایسا امت میں جتنی غفلت آ گئی اور امت میں جتنی بے احساسی آ گئی ہے ایسا کو اپنے فرد و کرم سے دور فرما دے, اور امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس شعور عطا فرما دے. اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو کوئی جگا دے, مانا امت کے سوئے نصیبے کو کوئی جگا دے, اور اس امت کو حق پر محنت پر مشتمل فرما دے. اے اللہ آپس کے خفشات اور آپس کے شفاف اور نفاق سے اور آپس کے اللہ تقریب باتوں سے ہمارے ساتھیوں کی اے اللہ پوری امت کی پوری عبادت فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے دعوت کی سبھی محنت کو تو نہیں اپنے فضل و کرم سے دنیا میں زندہ فرمایا, اور تو نے امت کو تو یہ فرمایا اس محنت کی تو پوری عبادت فرما, صحیح محنت کے ساتھ صدیوں میں چلتے رہنے کی غیر شکل صورت سے پیدا فرما. اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہر شریف کی شرارت ہر فکین کے بتنے ہر ہر اندازے سے ہر بد نگاہ کی بد نگاہی سے ائمہ کفر کی شرارتوں سے ساحرین کے سحر سے اے اللہ محنت کرنے والوں کے اس محنت کی تو پوری عبادت فرما, ایسا پوری عبادت فرما. اگر کسی فتنے کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ ہماری آخر برباد ہونے سے تو ہماری عبادت فرما, ایسا پوری امت کی آخر کی برباد ہونے کی عبادت فرما. اے اللہ کام کے آگے بڑھتے رہنے کی شکل سوچ پیدا فرما, ایسا تیرے نام میں نکلنے والوں کی تو ہی آج ان کے ساتھ بہترین تربیت فرما, سپاہ کے دعوت سپاہ کے قبولیت سپاہ کے قرآنیا کے آراد کا فرما دین کا درد اور غم اور فکر میں نصیب فرما. اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں کی بستی ہے, اے اللہ جہاں تیرے نیک بندوں نے اے اللہ تیری عبادت بھی کی اور تیرے بندوں کے لیے محنت بھی کی, راتوں کو روئے ہیں اور ایسا یہی پر ایسا دفن ہو گئے. اے مولا اپنے نیک بندوں کی قربانی کے سلسلے میں پھر دوبارہ ایسا اس بستی میں دین کو زندہ فرما دے, دین کی محنت کو زندہ فرما دے, بے حیائی بے شرمی کو ختم فرما دے, حیا شرمی ختم پاک دامن زندہ فرما دے, ایسا تیرے نبی والا دل کو غم اور فکر ایسا پھر امت میں زندہ فرما دے, اور ایسا اس بستی ایسا کوئی امن و امان اور ایسا ایمانی ماحول کو تو آپ فرما دے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے
خیر دلائیں گے جن کی دعائیں مانگی ہیں, ہم تو سے مانتا ہمیں عطا فرما. لیکن شروع سے بنا چاہیے ہے, ہم بنا چاہتے ہیں ہمیں بنا نصیب فرما. جن کے بندوں اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے لکھا یا مطلب کے حقدار ہیں, اے اللہ ان کے ہماری تمام کی جائے مقاصد پوری فرما, ہماری تمام کی مشکلات آسان فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, حاجت مندوں کی جائے حاجت پوری فرما, قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما, مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, بے گھروں کو گھر نصیب فرما, بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما, نیک اور صالح جو ہے نصیب فرما. اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم میں نصیب فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ان نیک بندوں کی دعا میں ہمیں شامل فرما, ہمارے اسباب کو آسان فرما, قبول فرما, مدد فرما, پوری دنیا میں خیر اور اس جائے کے منہ میں ہواؤں کے چلنے کا فیصلہ فرما. اور اے اللہ ہر قسم کے شروع کے دن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبارك لنا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سعدك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما سعدك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أحسن الخيرات من جميع الخيرات في الحياة والممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کئی احترام کے ساتھی دوڑا والے کھیڑا والے جگام والے کھانا کھا کر جائیں. جما